कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों का कोई विकास नहीं है। जनता की हित की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, दोनों ही पार्टी अपने विचारधारा से भटक चुकी हैं। मैं आज किसान खाद बीज की किल्लत से इतना परेशान है, सिंचाई के लिए पानी समय पर नहीं मिल रहा है, बिजली आ नहीं रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 45 में, नालियाँ चौक रही हैं, ना तो नालियों का कोई हो रहा है ना रोड का हो रहा। मुरैना जिले की अहम विधानसभा सीट सुमावली दल बदल वाली सीट है। इस सीट पर साल 2020 में उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में दल बदल कर चुनाव लड़ रहे ऐदल सिंह कंसाना को कांग्रेस के अजब सिंह कुशवा ने धूल चटाई थी। सुमावली मुरैना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का हिस्सा है और मुरैना से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सांसद हैं। सुमावली विधानसभा सीट मध्य प्रदेश के मुरैना में आती है। साल 2018 में कांग्रेस के ऐदल सिंह कंसाना यहां से कांग्रेस से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे, लेकिन कमलनाथ सरकार में मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और साल 2020 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। मंत्री रहते चुनाव लड़े कंसाना विधायक का चुनाव हार गए थे। कंसाना चार बार विधायक रह चुके हैं, इसमें दो बार मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। कंसाना पहली बार 1998 में दिग्विजय सिंह के समय और साल 2020 में शिवराज के समय सत्ता का सुख ले चुके हैं। इस इलाके में किसी पार्टी का एकाधिकार नहीं रहा। शुरू से ही यहां मतदाता जातिगत आधार, मुद्दे और चेहरा देखकर वोटिंग करते हैं। यहां कांग्रेस और बीजेपी और बसपा के बीच कड़ा मुकाबला होता है। बसपा यहां चुनाव 90 के दशक में दो बार जीत चुकी है, लेकिन हर बार हार और जीत का अंतर बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। मुरैना जिले की सुमावली विधानसभा भी जातिगत समीकरणों के जाल में उलझी हुई है। यहाँ पर भी जाति के आधार पर विजेता तय होता है, यहाँ पर भी जाति के आधार पर टिकट तय होता है। सुमावली में सिकरवार, कुशवा और गुर्जर समाज का बाहुल्य है और यही तीन समाज तय करती हैं कि आखिर यहाँ पर किसको टिकट मिलेगा और किसकी जीत होगी। सुमावली में 40,000 कुशवाहों के वोट हैं, इसके बाद 32,000 गुर्जर मतदाता हैं, 31,000 ठाकुरों के वोट हैं। तीनों ही समुदायों से प्रत्याशी प्रमुख दलों से चुनावी मैदान में उतरते रहे हैं। 25,000 ब्राह्मण वोट निर्णायक साबित होते हैं, वहीं 18,000 किरार वोट भी चुनाव की दिशा और दशा तय करने वाले साबित होते हैं। सुमावली इलाके में बाकी जगहों की तरह मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। इस इलाके में जनता को आज भी सड़क, बिजली और पानी की दरकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जनता सरकार से उम्मीद लगाए बैठी है, तो युवा वर्ग रोजगार की तलाश में दर दर भटकने को मजबूर है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इलाके से सांसद जरूर हैं, लेकिन क्षेत्र को उनके मंत्री बनने से कोई खास फायदा होता नजर नहीं आता। कि ये सरकार अमीरों की सरकार है, गरीबों का कोई विकास नहीं है, गरीब हर चीज में ठोकर खा रही है। केवल जनता का ये आत्मी रुख ये है कि सरकार को बदलना है, सरकार बदलना चाहिए। अगले चुनाव में सरकार बदलेगी। सुमावली के बारे में जनता की हित की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, दोनों ही पार्टी अपने विचारधारा से भटक चुकी हैं। एक दूसरे बच्चों की तरह लड़ाई लड़ती हैं, तू चोर तेरा बाप चोर, तू चोर तेरी माँ चोर, इस तरीके से जनता की बात कहीं आने ही नहीं देती हैं। मैं आम आदमी पार्टी को सुनने वाले हैं, क्योंकि ये की ऐसी पार्टी दिखाई देती है जो अपने काम को दावा करके कहती है मैंने ये काम किया है, मैं ये काम करूँगी, और बाकी की सारी पार्टियां कहती हैं कि इनने ये नहीं किया, उनने वो नहीं किया। मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो क्या कहते हैं डॉक्टर के घर पे पीस लेके दिखाओ, कोई इलाज नहीं है हॉस्पिटल में। आज मेरे चाचा की कैंसर का फोड़ा हो गया तो यहाँ से ग्वालियर ले गया तो ग्वालियर भी कोई मना कर दिया। अब मैं कहाँ ले जाऊँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं रिक्शा चलाता हूँ। समस्या कुछ नहीं आई है, हम तो यही चाहते हैं कि अगले चुनाव में हमारी भाजपा सरकार बने और सुमावली विधानसभा में हमारे विधायक जी ऐदल सिंह कंसाना जी बजे, बढ़िया अच्छा काम होता है। कांग्रेस राज्य में कुछ नहीं होता है, महापौर की सरकार है तो ये गड्ढा बो रहे थे तो गड्ढा पर क्यों नहीं बनवाया महापौर ने, बनवाते फिर महापौर सरकार में। सुमावली के बारे में क्या मैं पूरा मध्य प्रदेश के बारे में ही कहलाएं? आज किसान खाद बीज की किल्लत से इतना परेशान है, सिंचाई के लिए पानी समय पर नहीं मिल रहा है, बिजली आ नहीं रही है और लोगों को रात में बिजली दी जाती है वो भी 12 बजे से 3 बजे तक, अगर दिन में बिजली दी जाए तो किसान अपना दिन में बढ़िया काम करेगा। जनता के द्वारा नकारी हुई सरकार और धनबल से बनी हुई सरकार, हम चाहते हैं 2030 में फिर जनता के बीच में आएगी तो जनता इसको मध्य प्रदेश में फिर सबक सिखाएगी शिवराज सिंह चौहान को। टाइम पर बिजली नहीं आ रही है,
पशु पक्षी घूम रहे हैं, पशु आवारा पशु इतने घूम रहे हैं कि बुजुर्गों को बच्चों को निकलने नहीं दे रहे। रोड सब जगह पूरा रोड खुदा हुआ डला हुआ है, जो बीजेपी के लोगों का शासन है। इसलिए अगले चुनाव में आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है जनता, आशा भरी निगाहों से आम आदमी पार्टी की ओर देख रही है। यहाँ पर बीजेपी पार्षद हैं वार्ड क्रमांक 45 में, नालियाँ चौक रही हैं, ना तो नालियों का कोई हो रहा है ना रोड का हो रहा। और शिक्षा पर देखो तो सारे स्कूल बंद पड़े, स्कूलों में ना तो कोई देख रेख है ना कोई स्कूलों पर कोई व्यवस्था है। स्कूलों में इतनी दुर्व्यवस्था है कि टीचर भी टाइम पर नहीं आते हैं सरकारी स्कूलों में। जब इन मुद्दों पर हमने स्थानीय नेताओं से बात की तो वो बजाय समस्या के समाधान के एक दूसरे पर आरोप लगाते ज्यादा नजर आए। सुमावली विधानसभा में भी जातिगत समीकरण के आधार पर जीत हार तय होती है, टिकट तय होती है। या ये भी गुर्जर बाहुल्य सीट है, इसके अलावा कुशवाहा समाज सिकरवार समुदाय यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहते हैं और यहाँ पर जो जीत हार होती है इन्हीं तीन समुदाय के इर्द गिर्द घूमती रहती है। यहाँ पर अजब सिंह कुशवाहा उपचुनाव में विधायक बने हैं कांग्रेस की तरफ से, वो जीत कर आए हैं। इसके पहले ऐदल सिंह कंसाना 2018 में यहाँ पर चुनाव जीते हैं और वो लगातार चार बार के विधायक रह चुके हैं, दो बार वो मंत्री रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस उन्होंने छोड़ी। हालांकि सिंधिया के साथ वो ज़रूर बीजेपी में गए, लेकिन वो सिंधिया समर्थकों में उनकी गिनती नहीं होती, उनको मंत्री नहीं बनाया कमलनाथ ने, तो फिर वो नाराज़ हो गए और उनकी इच्छा थी कि उनको मंत्री बनाया जाए। वो सीनियर एमएलए हैं लेकिन मंत्री पद नहीं पा सके, तो नाराज़ हो गए और उसी समय राजनीतिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ अन्य समर्थक थे वो भी उनके साथ हो गए और बीजेपी सरकार में मंत्री बने। लेकिन 6 महीने के मंत्री पद के बाद विधानसभा के उपचुनाव हो गए और वो हार गए। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं इस चौपाल में, वो बताएंगे कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या हैं और अभी चुनाव हुए तो आखिर जीतेगा कौन। आप क्या बीजेपी ऐदल सिंह को एक्सेप्ट नहीं कर पाई यहाँ पर, इसलिए दो साल पहले जीते हुए 2 साल बाद हार गए? कुछ राजनीतिक परिस्थिति ऐसी निर्मित हुई कि हमारे पूर्व विधायक को पार्टी द्वारा निकाल दिया गया था, इसलिए कुछ एक विशेष समुदाय सिकरवार लोग जो है उधर चले गए, इसलिए थोड़ा सा नुकसान हुआ है ऐदल सिंह कंसाना जी का। वैसे उनकी छवि यहाँ बहुत अच्छी है और आगामी चुनाव में भी वो जीतेंगे। और अभी चुनाव हुआ तो किसके पक्ष में वोट जाएंगे? अभी चुनाव हुआ तो ऐदल सिंह कंसाना के पक्ष में वोट जाएंगे। यहाँ पर किन मुद्दों के आधार पर अगले वोट डलने हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास में अनेकानेक महत्वाकांक्षी योजनाएँ लागू की हैं, बहुत सारी जनता को मिल रही हैं, चाहे लाड़ी लक्ष्मी योजना हो, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना हो और आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं भारत सरकार के लिए भाजपा ने निकाली हैं। इन्हीं मुद्दों पर गरीब लोग वोट करेंगे। कौन जीतने वाला है? देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो काम हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे प्रदेश स्तर के हों और चाहे वो राम मंदिर की बात को लेकर हो, धर्म और राष्ट्र की चिंता करने वाली एक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सिपाही हैं वो मध्य प्रदेश में मैं मानता हूँ कि बहुत मजबूत हैं। राम मंदिर पे वोट नहीं होता यहाँ तो, जाति के आधार पे वोटिंग होती है। जाति के आधार पे भी है और जाति के आधार पे भारतीय जनता पार्टी सशक्त है, कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, कहीं कोई संकोच का सवाल ही नहीं है। इनकी जितनी भी योजनाएं हैं सब धरातल पे नहीं चलती, कागजों में चलती हैं और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं घोषणावीर, उन पर घोषणाओं के अलावा कुछ है नहीं है। सरकार तो जनता ने कांग्रेस की बनाई थी, इन पर पैसा ज़्यादा आ गया था क्योंकि कई लंबे समय से इनके मुख्यमंत्री रहे हैं तो इनने भ्रष्टाचार से बहुत पैसा कर लिया था, तो खरीद फरोख करके इनने अपनी सरकार बना ली। जनता की सरकार तो कांग्रेस की बनी है, यहाँ केवल 9 करोड़ का साणा आता है देखने के लिए और जनता भूखी जा रही है, किसान उसमें इन पर साणी साण है, 2 साण केंद्र में है और 1 9 करोड़ का साण अभी आया है। विकास के मुद्दों पर चुनाव होना है सुमावली में, भारतीय जनता पार्टी के झूठे विकास हैं, कोई विकास नहीं हुआ और जो विधायक हैं कांग्रेस के उनको कोई काम नहीं दे रही,
सरकार ने जिगत कर दी है कि कहीं रोड़े नहीं डल रही, कहीं वो नहीं, बेरोजगारी फैली हुई है, भ्रष्टाचार चल रहा है। भाजपा की 18 साल से सरकार है, वहाँ जो भी व्यवस्थाएं थी पहले वो भी ध्वस्त कर दी गई हैं। रोडों की आप सुमावली विधानसभा में देखेंगे तो आप सिकरौदा से आप मेन फ्रंट रोड जाइए, आप सीधी वहाँ तक ऐसा तक जाती है चलने के लिए, मतलब गड्ढे गड्ढे आपको देखेंगे। ऐसे ही आप खड़ौली की तरफ इधर रास्ता में जाएंगे, मतलब सुमावली विधानसभा के किसी भी रोड को आप देखेंगे तो रोडों की हालत ख़राब है। यहाँ बिल्कुल माफिया राज है, गुंडा राज है बिल्कुल, और गुंडा माफिया राज के खिलाफ ही जनता ने चुनाव जिताया था कांग्रेस को। हालांकि मैं प्रशासन की दम पर ये चुनाव को जीतना चाह रहे थे लेकिन उसमें ये सफल नहीं हुए। तो मैं तो कहना चाहूँगा कि बिल्कुल भाजपा विकास की तो बात करती ही नहीं है, ये लोग तो महंगाई, काला धन, बेरोजगारी की दम पर सरकार में आके बैठ गए, आके हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। तो कांग्रेस सरकार तो हमेशा विकास की बात करेगी। आपकी बात नहीं, बिल्कुल जनता ने उनको चुना था लेकिन कहीं ना कहीं उनको लालच पैसे का, और मंत्री उनको बनना था तो मंत्री और खुद के लालच में वहाँ चले गए। पैसा भी बता रहे हैं अच्छा मिला है, क्योंकि चुनाव में भी देख रहे थे हम के घर घर खींचे, घर घर पैसा, पता नहीं कहाँ से पैसा उमड़ पड़ा था। और जब वो पीएचई मंत्री थे तो तब की बताना चाहूँगा आदरण, पूरी विधानसभा में जितनी पीएचई के काम हुए ना पूरा फर्जीवाड़ा हुआ, पूरा कागजों में काम होकर भुगतान हो गए। इस पर वो सस्पेंड भी हो गए, पीएचई अभी जो एचगोड इंजीनियर है उनके सस्पेंड भी हो गए, हो सकता है जांच पात चल रही है। मित्र कांग्रेस के भाई जो उनका भाव है उनका बाहर निकला है, क्योंकि उनकी रीति नीति में नेचर में ये लगभग 50 वर्ष से ही रहा है और 50 वर्ष का पचा हुआ उनका जो निकल रहा है, क्या 15 साल वाले को या 10 साल वाले को उन्होंने भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि 50 साल में इन लोगों ने कितना किया होगा और उससे ये वंचित रहने के कारण इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। और सरकार चलाना जिनको आता ही नहीं है, सरकार तो खुद ही गिरा थी। बोल रहे आप 50 साल से इन्हीं की सरकार है, की सरकार फिर कैसे चले, और चलाना किसे कहते हैं? नहीं तो फिर ये भ्रष्टाचार कहाँ से आ गया? जिनने 50 साल में भ्रष्टाचार अगर नहीं किया होता तो क्यों सरकार बदल? तो कह रहे हैं कि 50 साल में हमारी 20 साल में बदली, उसमें भ्रष्टाचार नहीं आया ना, इनको भ्रष्टाचार इनको पचा ही नहीं, पब्लिक ने को एक्सेप्ट नहीं किया आपस में, इनको भ्रष्टाचार में इन लोगों की बनी नहीं पटी नहीं, इसलिए कमलनाथ की सरकार गिरी। किसी सरकार को पब्लिक ने नहीं गिराया, आपसी बंदरवाट में सरकार गिरी है इनकी। अब ये है कि वो अपने लोगों को साध ही नहीं पाए, क्यों नहीं साध पाए, क्यों भगे लोग, ये उनकी कमी है कि हमारी क्या है? सुमावली में कोई समस्या है कि रामराज चल रहा है? समस्या नहीं, रामराज चल रहा है सुमावली में, हर इसीलिए हार गया बीजेपी का एमएलए, इसीलिए 10,000 वोट प्रतिशत बढ़ा, 10,000 पहले से और 76,000 वोट आया, हारने का 77,000 हारने का मतलब क्या है? यहाँ की जनता किसके साथ है, कांग्रेस के बीजेपी के? बीजेपी के साथ है। तो फिर क्यों हरा देती दो साल पहले, क्यों हरा दिया? बात तो सुनो, अब 2018 में हरा दिया, 2020 में हरा दिया, 23 में पता लग जाएगा पूरा, बहुत कमी रह गई थी 20 में, 23 में अब बताओ कि बीजेपी इतना सब कर रही है तो क्यों हार रही है? 18 में हारी, 20 में हारी। देखो साहब, बीजेपी की जो जन कल्याणकारी योजना है वो बिल्कुल धरातल तक पहुंच रही है, बीजेपी की धरातल तक पहुंच रही है और जनता संतुष्ट है। आप गांव में जाके देख रहा क्यों रही है, हमारा सवाल तो ये, अरे 18 में 20 में तो जीतना जे तो लगा ही है, हारना जीते, एक हारेगा एक जीतेगा, कितने से हारे, थोड़े बहुत 3-4 हजार का वोट का अंतर था। बहुजन समाज पार्टी का वो पहली बार सुमावली विधानसभा में ऐसा हुआ है, पहली बार जब से चुनाव हुआ बहुजन समाज पार्टी सिमट के 3,000 वोट पर रह गई, ये पहली बार हुआ ऐसा। अगर बहुजन समाज पार्टी अगर 8,000 या 7,000 वोट ले जाती तो सीट निकलती, मतलब दूसरे की वोट के आधार पे बीजेपी का उम्मीदवार जीतेगा कि हारेगा ये तय होगा। फिर जमीन तक इन योजनाएं कहाँ जा रही है, बीएसपी यहाँ पे कितना बड़ा फैक्टर है? यहाँ पे बीएसपी का कोई फैक्टर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये मित्र मेरे कह रहे थे कि विकास, विकास की बात अगर करते हैं तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो गुंडा राज यहाँ चल रहा है उसका जीता जागता उदाहरण में विधायक तो आपका है, नहीं गुंडा राज इनका है, नहीं ऐसा है, विधायक तो सरकार के सामने विधायकों की कोई चली नहीं रही, या कलेक्टर भी नहीं सुनते हैं हमारे विधायकों की, तो इस समय यह स्थिति कर दी गई है। आप इसका उदाहरण ये देख लीजिए, यहाँ से ए बी रोड पर आप चले जाइए, रोड पर निकलने के लिए ट्रैक्टरों से रेत के कारण कहीं कोई लड़कियाँ नहीं निकल सकती, आदमी नहीं निकल सकते। इसका कारोबार कर कौन रहा है? रेत का व्यापार सिर्फ जो पूर्व मंत्री थे माननीय ऐदल सिंह जी उनके समाज के लोग करते हैं, वैसे तो रेत का व्यापार सारे ही लोग करते हैं। वो तो अभी गए हैं, उसके पहले तो आपके ही साथ थे, तब भी चल रहा था कारोबार।
तब रुस्तम सिंह चला रहे थे, तब रुस्तम सिंह चला रहे थे। देखिए साहब, जो बीजेपी में जाता है वो रेत का कारोबार शुरू कर, वो तो रेत तो सबसे बड़ी चीज है। देखिए साहब, ये गजन नोटिफिकेशन में सारी स्टेट है, तीन स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, ये सब गजन नोटिफिकेशन में गई थी चंबल सेंचुरी के लिए। लेकिन यह रेत का जो अवैध उत्खनन होता है, जो अवैध उत्खनन होता है वह किसी न किसी दमंग एमएलए के ही इशारों पे होता है, हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और दो यार, और जो नीचे देख लो यही मुद्दा है सबसे बड़ा, तो क्या मुद्दे हैं यहाँ के, किस पे वोट होना है? दबंग पे होना है, रेत के कारोबार पे होना है, विकास पे होना है, भ्रष्टाचार पे होना है, ज्योतिरादित्य सिंधिया पे होना है, शिवराज सिंह चौहान पे होना है, या कमलनाथ पे होना है? सिर्फ कमलनाथ, मैं केजरीवाल पे होना है। मैं, मुझे वो सहानुभूति है बीजेपी और कांग्रेस के साथियों से कि आज वो रस्साकसी कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, क्योंकि उनके नेता उनके साथ चले गए, उनके नेता इनके साथ आ गए, तो उनसे कुछ कहते बनता नहीं है। एक्चुअली मैं, बीजेपी कांग्रेस की जो लड़ाई है वो सत्ता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई नहीं है। अगर ये जनता की लड़ाई लड़ते तो विकास की बात करते, वो तो सत्ता की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहाँ जहाँ सत्ता की मलाई मिलेगी वहाँ पर वो लोग चले जाते हैं। ठग कौन रहा है? जनता ठग रही है। मैं देखिए बैरियन थे वहाँ जाकर मुझे काम तक कैया गाड़ी पंट रही है, कईयों लोग गिर रहे हैं, वो कहाँ आती है? सुमावली क्षेत्र में, जो कि विधायक कांग्रेस के और बीजेपी के ही रहे हैं, आज तक किसी ने देखा? इसी रोड से निकल रहे हैं, इसी मंत्री निकल रहे हैं, वो बाईपास सभी कलेक्टर निकल रहे हैं, पर आज तक कोई सुनवाई हो रही है? जनता की जो दोनों पार्टियों में कोई सुनवाई नहीं है, जनता को कोई जानता नहीं है। एक एक चीज़ है इन पर दोनों पार्टियों पर, जाति का मुद्दा। जाति का मुद्दा कोई यादवों का उठाएगा, कोई गुर्जरों का उठाएगा, कोई ठाकुरों का उठाएगा। यहाँ जे जाट लोग बसे हुए हैं, आज तो किसी नेता ने आकर के मुद्दा जाटों के दलितों का उठाया कि इतने जाट यहाँ बसे हुए हैं? जो सरकार बनाते हैं जो दलित लोग ही बनाते हैं, और दलित लोग बनाएंगे। अंग्रेज जब 2023 में दोनों पार्टियों को मालूम पड़ जाएगी कि विधायक किसके बनेंगे। तो मुरैना में हमेशा जातिवाद के मुद्दे पर ही चुनाव होता है, विकास के लिए कोई भी वोट नहीं करता है, हमेशा जातिवाद पे। समीकरण भी उसी तरह की पार्टियां बनाती हैं और उसी मुद्दे पर चुनाव होता है। किसी भी व्यक्ति जो वोट देता है, जो यहाँ पर एमएलए चुनता है, उसको किसी को भी हक नहीं है विकास की बात करने का, शिक्षा की बात करने का, स्वास्थ्य की बात करने का, किसी को भी हक नहीं है। यहाँ जिस समय बीजेपी का विधायक था उस समय ये रोड अलग थी, और कांग्रेस का विधायक है, कांग्रेस का महापौर है, रोड आप देख लो, आप फोटो कर, फोटो लेके देख लो, कांग्रेस का हो गया इसलिए खुद गई, पहले बहुत अच्छा। अभी तक इसकी मरम्मत हो जाती अगर बीजेपी होती तो। और जब से विधानसभा बदली है, कांग्रेस आई है, तब से काफी असुविधा हो गई है। दो साल में असुविधा, और साढ़े सोलह साल में से सरकार चल रही है, विकास ही विकास हुआ है। बाकी का 70 साल आप देख सकते हैं कितना पीछे देश रहा है, 16.5 साल में ही विकास हुआ है यहाँ पे। आदरणीय में बताना चाहूँगा कि जहाँ पर खड़े ये जगह की बात करिए तो यहाँ के पार्षद भी मौजूद हैं पिछले 10 साल से। पार्षद कौन है? पार्षद अभी केशव सिंह तोमर चले गए, बदन सिंह भी थे, मतलब नहीं 10 साल से, नहीं महापौर बीजेपी का, पार्षद बीजेपी का, दोनों तरफ अभी भी ये यहाँ से लेके वहाँ तक नाली की 8 साल के अंदर में मतलब कोई मेहता ने आगे सफाई नहीं की है। इसमें कम से कम घुटने भर इसमें कीचड़ भरी हो। ये तो गड्ढा बहुत सुपर था, तुम्हारा विधायक आया उस समय हुआ है, इनका काम है भाई साहब इस समय गोंद खरीदना, गोंद लगाना, भारत जोड़ो, गोंद लगा रहे भारत को, जोड़ते जा टुकड़े टुकड़े भारत को, जबकि भारत 370 हटा करके जोड़ा है, भारत तो 370 हटा के जोड़ा है। यही लोग उसको अलगाववादी कहते थे, कश्मीरों को कहते थे। ये यहाँ पर विकास के नाम पर जीरो चल रहा था, एक पिछड़े वर्ग के विधायक को बदनाम कर रहा है कि दरोगा। इबादत लोग करते हैं मगर ना पाक होकर के, इबादत लोग करते हैं मगर ना पाक होकर के, अगर पाक हो अमले स्वयं भगवान हो जाए। आप लोग ये बताइए, रेत की यह स्थिति है, पानी की यह स्थिति है कि कल कैनाल आई है, आप आज बात कर रहे हो, विकास की बात कर रहे हो, किसान का पूरा बाजरा सड़ गया, आपने उसकी सर्वे अपने घर बैठ के बनाई और 15% किसान का नुकसान हुआ है, जिस किसान का 75% नुकसान हुआ, आपके पटवारी, आपके आरआई, आपके तहसीलदार उसे मात्र 15% शो कर रहे हैं, उन्हें बेचारों को मुआवजा मिलेगा कहाँ से? रही बात खाद की, मैं अभी आ रहा हूँ सोसाइटी से, अभी इसीलिए लेट हो गया कि खाद मुझे आज मिल नहीं पाया था, और ये खाद की बात, खाद नहीं है, बिल्कुल नहीं है, किसान परेशान है। कितना आदमी लगा लाइन?
कम से कम मैं भी ले ले गया था वहाँ पे, करीबन करीबन 1,500 के करीबन लाइन है। रात भर से लगी है, रात के रात से लगाए लाइन बहुत सारी रात लाइन क्यों लग रही है भैया? जब किसान लाइन लगाएगा तो कहाँ है विकास? लाइन की जैसे हमारे मित्र जो कह रहे हैं भाई, ये अनुशासनात्मक कार्रवाई है, विवादित कार्रवाई नहीं है। देखिए ऐसा है, आप दबाने का प्रयास न करें, बात को रोकने का प्रयास न करें। जैसा कि ये मित्र देखिए, भाजपा के साथ तो सिवाय ईमानदारी के अलावा असत्यता है ही नहीं। ये खाद लेके आए, आप खाद लेके आए हो, क्या स्थिति है? खाद लेने गया था, खाद में इतनी लंबी लाइन लगी है के बिल्कुल पुलिस वाले खड़े हैं, खाद भी नहीं मिल रहा है। मैं अभी आया हूँ, नहीं मिला है, खाद में इतना रबड़ हो रहा है। किसान कौन है? ये किसान नहीं है, जबरदस्ती का। मैं ये कह रहा, एक मिनट, अरे महाराज एक मिनट, किसान पे आप दबाव बना रहे हो। किसान, मैं ये कह रहा हूँ, इनके लफ्ज देखे आपने, हिंदुस्तान में उर्दू लफ्ज, हिंदुस्तान में क्या हो गया? उर्दू, उर्दू से परहेज है क्या आपको? उर्दू में कौन सी दिखाई भाषा है? वो हिंदी बोलने से परहेज है इनको? आपके बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं, वो इंग्लिश जुड़वा दीजिए आप। उर्दू से परहेज है इनको तो। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान सिर्फ एक किसी समुदाय का नहीं है, हिंदुस्तान सभी समुदाय का है और सारी जातियां सारे धर्म इस हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। बताइए, 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, खाद नहीं मिल रहा है, देखो क्या हालत हो रही है, से खाना भी नहीं खाया है। क्या बोल रहे हैं खाद वाले? खाद वाले बोले है ही नहीं खाद, है ही नहीं खाद, लाइन में लगे रहो जब तक नहीं मिल रहा है। पता पर्ची पर अब कब पूरा दिन तीन बजे जाना पड़ रहा है। भाजपा के नेता फोन लगाते हैं तो वो खाद के कट्टे किसान को देते हैं। मुरैना में एक सबसे बड़ा मुद्दा इस समय निकल के आया है, खाद का संकट का मुद्दा। बीजेपी कहती है कि खाद का संकट नहीं है, लेकिन कांग्रेस और यहाँ पर जो लोग आए हैं, जो खाद की लंबी लंबी लाइन में लगकर आए हैं, उनको खाद नहीं मिली। यानी खाद का मुद्दा इस समय जोरों से गरमाया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फैसला जातिगत आधार पर होता है, जातिगत समीकरण यहाँ पर तय करते हैं कि आखिर यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का विधायक कौन बनेगा। इसके अलावा 10 सूत्र ने इलाके के प्रबुद्ध जन, वरिष्ठ नागरिक और आम जनता से बात की, उसमें से कुछ सवाल निकल कर आए। मसलन, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आपने कितनी राशि खर्च की? दूसरा सवाल, इलाके में खराब कानून व्यवस्था में सुधार के लिए क्या कदम उठाए? तीसरा सवाल, किसानों को फसल के भाव नहीं मिल रहे, इसके लिए क्या कोशिशें की? और चौथा सवाल, मूलभूत सुविधाओं के लिए कितनी राशि खर्च की? जनता के इन सवालों के विधायक अजब सिंह कुशवाहा के पास कोई जवाब नहीं थे, यानी विधायक जनता के सवालों से भागते नजर आए। दसूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप दसूत्र। आप हमारी खबरें dasutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।